सो हेलो, इन द लास्ट लेक्चर हमने लाइंस के बारे में चर्चा की कि लाइंस का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, और दो लाइंस के बीच में तीन तरह का रिलेशन हो सकता है, या तो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं या परपेंडिकुलर होती हैं या फिर किसी एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो पैरेलल के लिए कंडीशन हमने देखा था कि फॉर पैरेलल लाइंस हमने देखा था कि आपका जो कंडीशन था वो था m1 = m2, यानी दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए केस में हमने देखा था के लिए कंडीशन थी m1 = -1, और इन जनरल कोई भी लाइंस अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और वो इस तरह इंटरसेक्ट कर रही हैं कि उनके बीच में ये एक्यूट एंगल थीटा है और जो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है वो फाई है, तो हमने देखा था कि जो टेन थीटा होगा वो होगा मॉड ऑफ m1 - m2 / 1 + m1 - m2। ये मैंने आपको लिखवा दिया था फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन हम आज करेंगे। तो इस तरीके से हम मॉड लगा लेते हैं, इसका मतलब मॉड लगा लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव निकल के आएगी वैल्यू, और टेन थीटा यदि पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं थीटा क्या होगा, एक्यूट होगा। तो इस केस में आपका जो थीटा आएगा आपका वो आपका 0 से लेकर π/2 से कम होगा, π/2 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन होगी थीटा की। और हम फाई कैसे निकालेंगे, फाई निकाल लेंगे हम π - θ से, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो जनरली हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप मॉड नहीं लगाएंगे तो यदि आपका माइनस आंसर आता है तो वो किसका आंसर होगा, ऑब्ट्यूज एंगल का आंसर होगा एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह चलता है, तो इसका हम डेरिवेशन देखते हैं कैसे हम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हैं। यदि लाइंस का स्लोप m1 m2 है, तो लेट्स से ये आपकी m1 स्लोप की लाइन है, ये आपकी m2 स्लोप की लाइन है, तो इसका डेरिवेशन आप करते हैं। सो नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टू लाइंस जहां पे जो दोनों लाइन है नॉन पैरेलल है और नॉन परपेंडिकुलर है। तो ऐसी मैं दो लाइंस का एक डायग्राम बना देता हूँ। मान लेते हैं ये कोई लाइन है, एक लेट से ये लाइन है मेरी L1 लाइन है ये, और एक लाइन कुछ ऐसी ले लेते हैं, लेट से ये मेरी कोई L2 लाइन है। तो दो लाइन इस तरह इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, ये आपकी x एक्सिस हो गई और ये आपकी y एक्सिस हो गई। तो इन दोनों लाइन्स के बीच में इस जो एक्यूट एंगल, इसको हम बोल रहे हैं थीटा, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और जो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा उसको बोलेंगे हम फाई, यानी ये फाई है तो ये भी फाई होगा। और ये जो लाइन जो L1 जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस पर, यानी इसका इसके लिए जो एलिवेशन वाला जो एंगल होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेट से θ1, और जो सेकंड लाइन बना रही है उसको हम बोलते हैं लेट से θ2। यानी कहने का मतलब है जो फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है m1 जो है वो क्या होगा, m1 = tan θ1, और m2 क्या होगा, tan θ2। मान लेते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। तो आप देखिए इन ट्राइंगल PQR में, देखिए आप ये आपका जो R बन रहा है ना θ1, ये एक्सटीरियर एंगल है। θ1 का सम किसके बराबर होगा, θ2 + θ k। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाइए कि इनर ट्राइंगल ऐसा एक्सटीरियर एंगल = सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा आपका θ1 - θ2, ठीक है। तो थीटा बराबर अभी देखा था आपने θ1 - θ2, और दोनों साइड यदि मैं टेंजेंट ले लूं क्या बन जाएगा, टेन ऑफ थीटा बराबर टेन ऑफ θ1 - θ2। इससे आ जाएगा आपका tan θ = आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या आएगा, tan θ1 - θ2 क्या होगा, tan θ1 - tan θ2 / 1 tan θ1 - tan θ2। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा दिए, tan a - b क्या होता है, tan a - tan b / 1 tan a - tan b, ये लगा दिया आइडेंटिटी। तो इससे क्या निकल के आता है कि tan θ = tan θ1 क्या होगा, फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा वो क्या होगा, m1 - m2 / 1 + m1 - m2। सो अभी तक यहाँ पे मैंने कोई मॉड वगैरह की चर्चा नहीं की है। और ये थीटा क्या है, ये थीटा कोई भी एक एंगल हो सकता है, अब जरूरी नहीं है थीटा एक्यूट हो। मान लीजिए मैं ऐसा डायग्राम बनाया था, मान लीजिए एक लाइन ऐसी होती और दूसरी लाइन मान लीजिए मैं ऐसी बनाया था, तो उस केस में क्या होता, मान लीजिए ये आपकी लाइन फर्स्ट है और ये आपकी लाइन सेकंड है, उस केस में आपका θ1 ये होता, θ2 आपका ये होता, और थीटा क्या उनसा होता, ये वाला होता। तो थीटा इस केस में कैसा है, ऑब्ट्यूज है। वो जो मैंने डायग्राम बनाया था वो एक स्पेसिफिक डायग्राम है, डायग्राम कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब थीटा डायग्राम के हिसाब से अलग अलग डायग्राम के साथ ही आता, एक्यूट होगा या फिर ऑब्ट्यूज होगा, दो ही विकल्प है, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि पैरेलल और नॉन पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला केस हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी इस केस में क्या होगा, इस केस में भी कंडीशन तो वही बनेगी, इस केस में आप देखिए θ1 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, वो क्या होगा θ2 + θ, इन इस केस में भी कंडीशन तो वही बनेगी θ = θ1 - θ2।
ये निकल के तो यही आएगा, परंतु आप पाएंगे कि जब आपका एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो ये जो क्वांटिटी निकल के आ रही है टेन थीटा की, ये क्या आएगी आपकी नेगेटिव आएगी, और जब आपका थीटा एक्यूट होगा डायग्राम के हिसाब से तब आप निकाल के देखेंगे ना, तो आपका जो ये एम वन माइनस एम टू अपन वन प्लस एम वन एम टू की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव निकल के आएगी। यानी ये एक जनरल आंसर हो गया, ये जो रिलेशन है ये एक्चुअली जो मैं ब्लू में जो हाईलाइट कर रहा हूँ रिलेशन ब्लू बॉक्स के अंदर जो रिलेशन है ये एक जनरल रिलेशन है, इसमें अगर वैल्यू नेगेटिव निकल के आती है तो ऑब्ट्यूज एंगल है और वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है तो एक्यूट एंगल है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया, हम हमेशा बोल देते हैं कि हम हमेशा क्या निकालेंगे एक्यूट ही निकालेंगे, बिकॉज हमने ये हमें पता है कि टेन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। यानी आप चाहे फाई की बात करो चाहे आप मान लो थीटा की बात कर दो तो टेन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या है माइनस टेन थीटा, और टेन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा टेन फाई, पाई माइनस थीटा क्या है फाई है, यानी टेन फाई बराबर क्या आएगा माइनस टेन थीटा। यानी जो एक्यूट एंगल की जो वैल्यू आएगी और जो फाई के लिए जो वैल्यू आएगी इसमें किसका अंतर है केवल साइन का अंतर है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ मॉड लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जब अपना कंक्लूजन लिखूंगा तो मैं इसमें लगा लूंगा मॉड, यानी जब भी मेरी वैल्यू जो भी वैल्यू आए नेगेटिव पॉजिटिव उसमें मॉड लगा दूंगा तो क्या बन जाएगी वो पॉजिटिवली बन जाएगी, क्योंकि दोनों में केवल साइन का ही तो अंतर है थीटा और फाई में, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, तो फिर हम इसमें कंक्लूजन लिख लेते हैं अब इसके बाद। तो अब हम यहाँ पे दोनों केसेस को मिला के जो एक कंक्लूजन लिख लेते हैं, चाहे आपका टेन थीटा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हम उसकी अब हमें उसकी चिंता नहीं करनी क्योंकि हम लगा लेंगे मॉड। तो हम एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं कि टेन थीटा हमेशा क्या होगा, आप रखेंगे याद एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। तो मॉड लगाने से क्या होगा वो आपका जो आंसर आएगा थीटा का, थीटा हमेशा जनरली अब आपने थीटा को फिक्स कर दिया कि थीटा हमेशा एक्यूट एंगल ही होगा, ठीक है। पहले डायग्राम के हिसाब से दिखाया था मैंने आपको दो केसेस थे, थीटा एक्यूट भी हो सकता था थीटा ऑब्ट्यूज भी हो सकता था, यहाँ पे थीटा आपका एक्यूट ही होगा ये आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। और ये लिखते वक्त आपको ये याद रखना है कि आपको ये मान आपको वन प्लस एम वन एम टू की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या होगी जीरो, क्योंकि अगर वो हो गई तो क्या हो जाएगा फिर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो उस केस में अगर नॉट डिफाइंड होता है तो क्या आता है लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, क्योंकि अगर वन प्लस एम वन एम टू नॉट इक्वल टू जीरो है तभी ये डिफाइंड होगा, अगर वो जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, वो किसी कंडीशन थी वो परपेंडिकुलर लाइन्स की कंडीशन थी। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू जो आएगा थीटा होगा एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स बिटवीन एल वन एंड एल टू। तो ऑप्टिज एंगल कैसे निकालेंगे, फाई जो ऑप्टिज एंगल है वो क्या हो जाएगा फाई जो ऑप्टिज एंगल है वो हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा। ये हमेशा हम इस तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे आगे, और इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं इसके स्पेशल केसेस कौन से हैं। यदि एम वन इक्वल टू एम टू हो जाएगा तो क्या होगा ये आपका थीटा जीरो निकल के आएगा यानी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी उस केस। सो इस पे कुछ सवाल करते हैं अब कि कैसे हम दो लाइंस के बीच में एंगल का एप्लीकेशन देखेंगे स्ट्रेट लाइंस में। एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, आपको दिया हुआ है एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है, अ लाइन थ्रू दी पॉइंट्स माइनस टू कॉमा सिक्स एंड फोर कॉमा एट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दी पॉइंट्स। पहली लाइन है वो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, जो दूसरी लाइन है वो किन पॉइंट से होकर गुजरती है, वो गुजरती है आपकी 8,12 एंड x,24। यानी पहली लाइन जो इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरती है वो परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के जो इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, यानी ये जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। मान लो एक फर्स्ट लाइन ऐसी है कुछ L1, ये दो पॉइंट्स होकर गुजर रही है, एक पॉइंट मान लेते हैं कुछ माइनस टू कॉमा सिक्स ये इधर मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं फोर कॉमा एट। मैंने ऐसी अपने मन से डायग्राम, मैंने कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के डायग्राम नहीं बनाया है, यानी जरूरी नहीं है ऐसी लाइन दिखे असलियत में, बस आपको समझ के लिए मैंने डायग्राम बना दिया है, ये असलियत में ट्रू नहीं है डायग्राम, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा, ये मान लेते हैं एल वन लाइन है आपकी, ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा एम वन इज इक्वल टू एट माइनस सिक्स यानी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन फोर माइनस माइनस टू, यानी क्या आ जाएगा टू अपॉन सिक्स यानी कि वन अपॉन थ्री। एक दूसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल कुछ 90 डिग्री होगा, ये इस पे दो पॉइंट्स हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। अब ये हालांकि फिर से मैं बस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, असलियत जरूरी नहीं है डायग्राम सही हो, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं डायग्राम कि एक पॉइंट कुछ ऐसा होगा मान लेते हैं 8,12 और लेट्स से कुछ एक पॉइंट इधर होगा, जरूरी नहीं है इधर हो असलियत में, जरूरी नहीं है इधर हो, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं एक्स कॉमा 24, पर कहीं भी उससे फर्क नहीं पड़ता आपको स्लोप निकालने के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्लोप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए केवल
एम टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो मान लेते हैं ये ऊपर वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट है, तो 24 माइनस 12 अपॉन एक्स माइनस 8 कितना आ जाएगा, ये 12 अपॉन एक्स माइनस 8। और आप जानते हैं यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये आपकी L2 लाइन है, यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, M1 M2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 होगा। M1 की वैल्यू है 1 अपॉन 3 और M2 की वैल्यू है 12 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 1। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 4। इस तरीके से हम ये कंडीशन सॉल्व करके x इक्वल टू 4 निकालेंगे। यानी ये जो पॉइंट होगा आपका, ये लेट से P पॉइंट है कोई, ये Q पॉइंट है, ये जो P पॉइंट होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 4 है। यानी पॉइंट हो जाएगा 4,24। तो सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल करते हैं, इसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपका चेक करेंगे हम। आपको दिया हुआ है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज पाई बाय 4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 1/2। दो लाइन के बीच में एंगल पाई बाय 4 है, एक्यूट एंगल की बात हो रही है, 45 डिग्री है, एंड स्लोप ऑफ उनमें से एक लाइन का स्लोप है 1/2। आपको बताना है फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। थोड़ा ट्रिकी सवाल है, ध्यान से करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है एक ही आंसर आए, एक से ज्यादा आंसर भी आ सकता है, बस मॉड कंडीशन होती है ना, तो मॉड कंडीशन में एक से ज्यादा आंसर भी आ सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मान लेते हैं हमको M2 की वैल्यू दी हुई है हाफ, तो हम निकाल लेंगे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो लेट से हमें मान लेते हैं कि M2 दिया हुआ है 1/2, M1 निकालना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप M1 किसको मान रहे हो, M2 किसको मान रहे हो, क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, चाहे M1 माइनस M2 लिखो चाहे M1 प्लस M2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए कुछ किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे थीटा पाई बाय 4 है, तो 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू, मान लेते हैं M1 की वैल्यू निकालनी है, M1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस M1 बाय 2। ठीक है, 10 पाई बाय 4 होता है 1, यानी 1 इज इक्वल टू M1 माइनस 1/2। आप LCM ले लीजिए, ऐसा करिए, तो यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं इस साइड, तो क्या बन जाएगा, 2M1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस M1 का मॉड, 2 कट जाएगा दोनों साइड ऊपर नीचे। अब कोई भी मॉड क्वांटिटी यदि 1 के बराबर है तो क्या मतलब है इसका, ये मॉड के अंदर या तो 1 होगा या फिर माइनस 1 होगा, तभी तो उसका मॉड होके 1 आ रहा होगा। यानी जब भी आप पढ़ते हो कि मॉड x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m1 क्या होगा, प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। इन दो केस बनेंगे, एक बार या तो 1 बनेगा या फिर माइनस 1 बनेगा, दोनों केस हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। केस 1 इधर लिख लेते हैं, जब आपका 2m1 माइनस 1 अपॉन m1 प्लस 2 की वैल्यू 1 है, और केस 2 इधर लिख लेते हैं, जब आपका 2m1 माइनस 1 अपॉन m1 प्लस 2 की वैल्यू माइनस 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2m1 माइनस 1 इज इक्वल टू m1 प्लस 2, इसे सॉल्व करके आएगा m1 इज इक्वल टू 3। इधर सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2m1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस m1 माइनस 2, यानी 3m1 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी m1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। दो आंसर आए हैं, यानी दूसरी लाइन के दो आंसर हो सकते हैं, यानी पहली लाइन जिसका स्लोप 1/2 है और दूसरी लाइन जो उससे 45 डिग्री एंगल बना रही है उसका स्लोप या तो 3 होगा या फिर माइनस 1/3 होगा, यानी दोनों ही आंसर है, यानी m इक्वल टू आप लिखोगे 3, -1/3, दोनों ही आंसर होंगे। अब मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ आपके दो आंसर कैसे आ रहे हैं। कोई लाइन दी हुई है मान लीजिए जिसका स्लोप 1/2 है, उससे 45 डिग्री बनाती हुई दो लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि अगर लाइनों का स्लोप अलग अलग है यानी लाइन अलग अलग होंगी भाई, अगर दो लाइन का स्लोप अलग अलग है यानी दोनों अलग अलग लाइन है, साफ सी बात है। ये दो अलग अलग लाइन क्यों आ रही है, मैं डायग्राम समझाता हूँ आपको। आंसर के निकालने के लिए तो हमने निकाल लिया आंसर, पर डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। अब डायग्राम सोच पाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। मान लीजिए कोई लाइन इस तरह की है, इसका स्लोप क्या था, मान लीजिए m2 इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। अब आप ऐसा अज्यूम करिए कि कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ, कुछ मैंने कुछ ऐसी कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, ठीक है, आपको समझाने के लिए बस दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है स्लोप, पॉजिटिव स्लोप होगा तो कैसा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। तो ऐसा कुछ मैंने एक लाइन का एग्जांपल ले लिया, कैसा भी ले सकता था, कोई भी एक्यूट एंगल बनने वाली लाइन ले सकता था मैं, मैंने एक ले ली और मुझे ऐसी लाइन बनानी है, एक का स्लोप तो क्या आया है 3 और एक बार क्या आया है 3 का मतलब क्या है, पॉजिटिव है यानी एक्यूट बनेगा। यानी एक लाइन तो कुछ ऐसी हो सकती है जहां पे ये वाला एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा, और ये वाला डिग्री एंगल क्या बन रहा होगा,
यानी इस लाइन का स्लोप क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, एक और लाइन कैसी है जिसका स्लोप नेगेटिव है पर वो भी कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री बना रही है, वो कैसी बनेगी जरा देखते हैं। सो 45 डिग्री बनाती हुई लाइन और जो कि जिसका कि एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा, क्योंकि इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो कैसी बनेगी वो लाइन, कुछ ऐसी हो सकती है वो लाइन। ये एंगल क्या बनेगा, 45 डिग्री, और ये आपका एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। इस केस में आपका स्लोप क्या हो सकता है, ये सारे डायग्राम मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है इनमें से कोई भी सच हो। ठीक है, मतलब लगभग अंदाजे के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि इसका स्लोप क्या था इस वाली लाइन का, 1/2, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है ये छोटा होगा किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, 3। जैसे जैसे हम जानते हैं टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो आपका थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, यानी ये जो थीटा होगा ये वाला, ये लेट से थीटा 2 है तो ये थीटा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जैसे जैसे मेरी टेन थीटा स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है, टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, टेन थीटा की वैल्यू बढ़ जाता है, थीटा की वैल्यू बढ़ जाए, थीटा 2 आपका थीटा 1 से बड़ा होगा। और इस केस में तो खैर ये नेगेटिव ही हो गया, और ये तो इन सबसे बड़ा होगा ही सही, अगर ये थीटा 3 है तो थीटा 3 इनसे भी बड़ा होगा, मैं लिख सकता हूँ आराम से, क्योंकि थीटा 3 क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। पर डायग्राम असलियत में ऐसा बनेगा या थोड़ा अलग बनेगा, वो बेसिकली तब पता लगेगा जब एग्जैक्टली हम एंगल निकालेंगे। वो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा भाई 3 वैल्यू का बात है टेन थीटा की, तो थीटा वो वाला एग्जैक्टली बनाना पड़ेगा। तो मैंने अंदाजे से भी डायग्राम बनाया समझाने के लिए कि एक से ज्यादा आंसर कैसे आ सकते हैं, यानी दोनों ही लाइन ऐसी हैं, एक लाइन तो ये वाली और एक लाइन ये वाली, जो दोनों ही लाइन जो है इस वाली लाइन के 45 डिग्री बना रही है, और एक का स्लोप 3 है, एक का स्लोप -1/3 है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पकड़ बनानी है तो, और ये जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग है स्ट्रेट लाइंस, इसलिए हम हर चीज को डायग्रामेटिकली समझेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एक टॉपिक और देख रहे हैं आज, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी कॉन्सेप्ट से आप अच्छे से फैमिलियर हैं, कोलिनियर कब होता है, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं तो क्या बोलते हैं उनको, कोलिनियर बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस तरह की, और इस कोऑर्डिनेट प्लेन में लेट से कोई भी 3 पॉइंट है, कोई मैंने एक उदाहरण के लिए लाइन बना दी, एक पॉइंट लेट से आपका ए है, और एक पॉइंट लेट से बी है, और एक पॉइंट लेट से सी है। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं यदि, तो क्या होगा, एक ही लाइन पे आने चाहिए, इसके लिए क्या कंडीशन है, ये पॉइंट्स आपको दिए होंगे, ये पॉइंट्स लेट से आप मान लेते हैं इसको x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2, इसको मान लेते हैं x3, y3। अगर ये तीनों पॉइंट्स कंडीशन है, कोलिनियर है, तो क्या कंडीशन होगी इसकी, कंडीशन बहुत सिंपल है कि यदि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी, इसका क्या मतलब है, ए बी लाइन भी उतना ही एंगल बना रही होगी, बी सी लाइन भी उतना ही एंगल बना रही होगी, यानी अगर स्लोप अगर सेम होते तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है, पर ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकती बिकॉज दोनों में क्या आ रहा है, बी कॉमन पॉइंट है। ठीक है, आप सोचो दो पैरेलल लाइन है, इससे क्या सिद्ध होता है, दो स्लोप बराबर से सिद्ध होता है, दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल टू बी सी, पर ए बी पैरेलल टू बी सी कैसे होता है, जब बी दोनों में आ रहा है तो उसको तो क्या होना पड़ेगा, कोइंसाइडिंग होना पड़ेगा ना, कोलिनियर होना पड़ेगा, इसलिए ये कंडीशन काफी है, क्योंकि बी दोनों में कॉमन है कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये काफी कंडीशन है। यानी स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे हम, y2 - y1 / x2 - x1 इस वाले केस के लिए, अब जैसा आपका केस बनेगा हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। और स्लोप ऑफ बी सी कैसे निकाल सकते हैं अपन, y3 / y2 / x3 - x2, इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको यही रूल लिखना है, आप अपने मन से भी सोच सकते हैं। आप सोचिए यदि मैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी कर दूं तो क्या गलत है, अगर मैं कर दूं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, क्या ये सही नहीं है, इसमें क्या हो गया, ए कॉमन पॉइंट हो गया, ये भी सही है। उसी तरीके से स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी ए कर दूं, एक ही बात है ना, मतलब कोई भी दो पकड़ लो आप, उसमें एक पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वो वैसे भी इस तरह हो जाएगा। सो इससे भी आप कर सकते हो, सो दिस इज ऑल्सो अ सफिशियंट कंडीशन। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यही कंडीशन है, और भी कंडीशन बन सकती है, जैसे ए सी बी सी बन सकती है, स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, बस एक कॉमन पॉइंट रखना पड़ेगा आपको। तो सिंपल सा है इसमें, मैं कुछ सवाल नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं बहुत। तो बाय दिस पॉइंट मैं अज्यूम करूंगा कि आपको अब स्ट्रेट लाइंस की स्लोप निकालना आता है, उनका मतलब पता है एंगल की टर्म्स में, पॉइंट्स की टर्म्स में, और दो लाइंस को यदि इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनको इमेजिन कर पाना कि किस तरह कर रही होंगी, वो आप मैं समझूंगा कि आपको वो आ चुका है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइंस के कितने प्रकार होते हैं और उनकी इक्वेशन हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अभी तक आपने केवल लाइन ड्रॉ की है, पर आपने एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं किया कि एग्जैक्टली यही बनेगी, है ना। आप हमेशा क्या करते हो, पॉइंट्स प्लॉट करते हो, दो पॉइंट्स को फिर स्केल से जोड़ते हो, फिर लाइन बनाते हो। अभी तक 10th क्लास तक ही करते आए हम, बट अब हम ऐसी तरीके सीखेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के जब आप बिना पॉइंट्स को प्लॉट किए भी अपनी लाइंस को ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा बिल्कुल सही कर पाए, बट कई केसेस में हमको बहुत ही अच्छा आइडिया लग जाएगा कि लाइन ऐसी ही बनेगी। ठीक है, तो वो हम लाइन प्लॉट करने के डिफरेंट तरीके और लाइन की जो इक्वेशन है उसको अलग अलग फॉर्म्स में लिखना सीखेंगे। सो थैंक यू।